हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। अब तक की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। पीएम मोदी आज बांग्लादेश में हैं और बंगाल में ममता ने मोदी पर बहुत ही पर्सनल अटैक करके हेडलाइन बना दी है। ममता ने ऐसा क्या बोल दिया जो आज की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे और ले चलेंगे बांग्लादेश, जहां राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में बंगाल के गायक अजय चक्रवर्ती गाना गा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे हैं और तस्वीरें बंगाल की गली गली में देखी जा रही है। और सबसे पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस संगीत के लिए जो राग है वो प्रधानमंत्री के निवेदन पर चुना गया है, राग मैत्रेयी। कार्यक्रम भी चल रहा है और बंगाल की आजादी के 50वीं सालगिरह को भी मनाया जा रहा है। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री की यात्रा को बांग्लादेश में कवर कर रहे हैं। पवन, जिस तरह से ये पूरा अभी मनोरम दृश्य है और एक तरह से हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मैत्री पर लगातार चर्चा हो रही है, मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मंदिरों के दर्शन करने भी जाएंगे जिसका खासा असर बंगाल के चुनाव पर भी हो सकता है, उसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि कल के दिन की शुरुआत काली माता के मंदिर के दर्शन में होगी जो सतखीरा में है। उसके बाद मथुरा मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की जो कब्र है वहां पर भी जाएंगे, जो मेमोरियल है वहां जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह काली मंदिर में दर्शन कर रहे होंगे या फिर बाद में मथुरा मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतदान हो रहे होंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि मथुरा समुदाय के 3 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और उनके अगर ऐसे धर्मस्थल पर पहुंचा जाता है जहां उनकी प्रगाढ़ आस्था है, तो जरूर इस बात का असर भारतीय चुनाव या कहें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी होगा। कहा जाता है कि भारत में चुनाव अक्सर भावनाओं के आधार पर तय होते हैं, तो जरूर जो मथुरा वोटरों के दिल के करीब है उस मंदिर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो जरूर इसका प्रभाव दिखाई देगा। भावनाओं के साथ जुड़ने की आपने बात की, अब से थोड़ी देर पहले जो संबोधन था उसमें भी उन्होंने बात भले ही वहां खड़े होकर कही हो, लेकिन उसका संदेश बहुत दूर तक गया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अगर आप सुनेंगे तो वो बिल्कुल इसी अंदाज में कहा गया था जिसका संदेश दूर तक जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत और बांग्लादेश के मैत्री संबंधों के नजरिए से देखी जाए तो उन्होंने कहा कि हमारी साझी विरासत है और साझा विकास है और भविष्य भी हमारा साझा है। इस मौके के तौर पर यही बात सबसे बड़ी आज के संबोधन में निकल कर आई कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के जवानों ने साझा खून दिया था और अब भारत और बांग्लादेश आगे 21वीं सदी में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। पवन, अभी जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे मथुरा समाज की, तो मथुरा समाज अगर हम अपने दर्शकों को बता दें 3 करोड़ लोग जहां मतदाता हैं, वहीं अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें 17% से ज़्यादा आबादी मथुरा समाज की है। उसके साथ साथ राजवंशी भी हैं जो कि करीबन 7.5% शेड्यूल कादी के हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए पवन, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका बंगाल का तजर्बा भी अच्छा रहा, आप 2 महीने के आसपास बंगाल की यात्रा करते रहे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा, जहां वो मां काली के दर्शन करेंगे, जहां वो मथुरा मंदिर भी जाएंगे, इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है इन वोटरों पर, क्योंकि 2019 के बाद से लगातार ये एक भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड कोर वोट बैंक भी बनता दिख रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी 24 सैलियां प्लान है, उसी दौरान ये दौरा आया है। इसे कोइंसिडेंस, संयोग या प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा, ना सिर्फ मथुरा वोटरों के नज़रिए से, ना सिर्फ काली मंदिर जाने के नज़रिए से, बल्कि पश्चिम बंगाल के साथ और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और उन सांस्कृतिक संबंधों में अगर प्रगाढ़ता आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच संबंध प्रगाढ़ होते हैं, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ती है, रेल नेटवर्क बढ़ता है, अगर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ता है, तो सीधा असर ये है कि दोनों की साझा विरासत मजबूत हो रही है और नरेंद्र मोदी एक साझा विरासत के एम्बेसडर के तौर पर आगे आ रहे हैं। वो यहाँ भी संवाद स्थापित कर रहे हैं बांग्लादेश में भी, और वो रैलियों में पश्चिम बंगाल में भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो एक यूनिफाइड बंगाली कल्चर को अपील वो कर रहे हैं, जिसका असर इन चुनाव में आपको दिखाई दे सकता है। बिल्कुल पवन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4.5 करोड़ बंगाली मतदाताओं को एक साथ अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका सीधा संपर्क बांग्लादेश से है। एक बड़ा समुदाय जो कि CAA के जरिए देख रहा है कि कैसे उसे भारत की नागरिकता ही नहीं बल्कि स्वीकारता भी मिले, और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट जो पूरा समुदाय है उसे भी अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर वास्तविकता में देखें तो 2016 के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी सरहद पार बांग्लादेश में हैं और कल बंगाल में पहले दौर की वोटिंग होनी है। मोदी बांग्लादेश से खेला कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी हैं जिन्हें मोदी का स्क्रू ढीला लगता है। आज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बहुत ही विवादित बयान दिया। आज पश्चिमी मिदनापुर में ममता ने यहां तक कह दिया, पीएम मोदी का स्क्रू ढीला है। ममता ने और क्या कहा, सुनिए। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে, আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ আর নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে, কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়, এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে, ভাবছে ধমকে চমকে, এত বড় সাহস, বলছে ধামাকা করেগা, কে ধামাকা করেগা, গিন্নবি করেগা, বন্দুক লে আয়েগা। धमाका पश्चिम बंगाल में तो वाकई में हो रहा है, लेकिन चुनाव धमाका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी ऐसा, अभी तक इतिहास बताता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि माननीय न हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत दरअसल कुछ ऐसी है कि उनके ऊपर आप चाहे जितना भी आक्षेप करें, लोग उनके ऊपर भरोसा जबरदस्त बनाते हैं, और इसका सबसे पहला नमूना हमने 2008 के चुनाव में देखा था, जब सोनिया गांधी ने एक विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके लिए दिया था। बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था उस वक्त। ममता के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान का जवाब बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, दीदी का यह बयान बताता है कि मोदी नहीं ममता जी के दिमाग में गड़बड़ी हो गई है, हार के डर से वो घबरा गई हैं, बंगाल की हार को अभी से नतमस्तक को स्वीकार करते हैं। सर, ममता बनर्जी ने बड़ा सीरियस बातें कह दी है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कि बड़ी दाढ़ी बनाई जा रही है, सब कुछ समय वो अपने आप को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, इस तरीके का कमेंट पास किया है। देखिए, ममता जी की मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए जब अपना घबराहट में कुछ भी गाली गुलज पे वो उतर गई है, मैं बड़ा चिंतित हूँ। ममता जी ऐसे घबराहट में ना रहे, प्रजातंत्र में उनको अगर रत्ती भर की विश्वास है, वो बंगाल की जनता के फैसले को नतमस्त होकर स्वीकार कर ले, उनकी हार को स्वीकार कर ले।
दरअसल इतिहास ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी आघात किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने फायदे में कैसे बदला। याद कीजिए, जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री पर चाय वाली की टिप्पणी की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे चाय पार्टी में कन्वर्ट करके किस तरह से बड़ी संख्या में वोट अपने पाले में कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ममता बनर्जी के निशाने पर आए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। ममता बोली, एमपी बनकर भाग गए दिलीप घोष। दिलीप ने यहां कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बहुत काम किया है। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी के लोगों को हिदायत भी दी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। बीजेपी तो कुछ करे नहीं आज पर्यंत, करे छे दिलीप घोष जीते पालिए कुछ दिए छे এমপি হয়তো পালিয়েছে দিয়েছে কিছু, কিন্তু আমরা কিন্তু সবটা করেছি, আগামী দিনও করব। কিন্তু মনে রাখবেন, এই ভোটটা দিল্লির নয়, এটা বাংলার ভোট। আপনারা যদি আমাকে চান তাহলে মনে রাখবেন, আমার প্রত্যেকটা প্রার্থীকে জেতালে তবেই কিন্তু আমার সরকার হবে। ওভার কনফিডেন্সের কোনো জায়গা নেই। বিজেপির মতো এত শয়তান দল সারা ভারতবর্ষে নেই, সারা পৃথিবীতে নেই। दरअसल ममता बनर्जी 2016 को एक बार फिर से चरितार्थ करने की कोशिश कर रही हैं। 2016 में जब नारदा और शारदा स्कैम की बातें तमाम तरह से उनके ऊपर डाली जा रही थी तो उन्होंने बंगाल की जनता के सामने एक ही अपील की थी, सभी सीटों पर 294 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार नहीं बल्कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, वोट देना है तो मुझे दीजिए वरना मुझे हरा दीजिए। वही एक्सपेरिमेंट एक बार फिर। ममता बनर्जी 28 मार्च से 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में रहने वाली हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु अधिकारी ने आज पूरे दिन नंदीग्राम में डोर टू डोर कैंपेन किया है और पीएम मोदी पर दिए ममता के विवादित बयान पर शुभेंदु ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो रोज बोलती रहती है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख कर ही बीजेपी में आया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी से की बात। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काथी में बहुत बड़ा जन सैलाब था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने आपके साथ बातचीत करी, क्या कहेंगे, कितना असर इस पे दिखेगा? जय श्री राम, जय श्री राम। सर, काथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस जन सैलाब की तारीफ की, आपसे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख कर ही तो मैं भाजपा में आया। इतना पावरफुल नेशन की लीडर, इसको हमारा नेशन की नहीं पूरा वर्ल्ड का लीडर, दिल्ली में एयरपोर्ट में देखिए सब फॉरेन कंट्री से प्लेन खड़ा हुआ है कोविड वैक्सीन के लिए। तो मोदी जी तो हमारा दर्शन है। ममता दीदी ने मोदी जी के ऊपर निशाना साधा है, वो कहें कि स्वामी विवेकानंद हर रोज अपनी भाषण में सबको अटैक करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी का ये अंदाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तो उस वक्त बड़े ही अलग अंदाज में थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के अलावा उनकी जबान पर कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला है तो जाहिर सी बात है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करेंगे ही। ममता जब वेस्ट मेदिनापुर में रैली कर रही थी और उसी वक्त कोलकाता में टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा, इस आरोप के साथ कि ईस्ट मेदिनापुर में बीजेपी ने कई बाहरी लोगों को जमा करके रखा है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। बीजेपी नंदीग्राम में भी डरा धमका कर वोट लेने में लगी है। डेलीगेशन में शामिल टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तेदार को सुनिए। सूचना मिली है कि पूर्व मेदिनीपुर, अभी चुनाव कल परसों जा रहे हैं, पूर्व मेदिनीपुर के कई जगह इंदिरा, पोटाशपुर, रामनगर, खेजुरी और नंदीग्राम में भी भगवानपुर, पोटाशपुर, यह बहुत लोग बाहर से हैं जो वहां का वोटर नहीं है और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। सिर्फ यही नहीं, मैं खुद गई थी एक जगह में 2-3 दिन पहले, वहां जब लोग आ रहे थे मीटिंग सुनने के लिए उनको डराया धमकाया गया। तो चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी मीटिंग में जा सकता है और किस मतदान किसके पार्टी के ऊपर कौन सी सिंबल के ऊपर करेगा, ये मेरी सिद्धांत है वोटर का, लेकिन उनको डराया जा रहा है। तो ये जो डराया धमकाया जा रहा है पूर्व मेदिनीपुर के कई कई विधानसभा में, ये गलत काम है। निर्वाचन आयुक्त को इस पर ध्यान देना चाहिए और
वोटर को सुरक्षित करना चाहिए। राजनीति में एक कहावत हमेशा चरितार्थ होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए बंगाल के पंचायत चुनाव, 35% तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। जाहिर सी बात है उस वक्त बंगाल की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग डर के मारे बाहर आना नहीं चाहते थे। सिर्फ दो राज्य हैं हिंदुस्तान में जहां 35% पंचायत निर्विरोध चुने जाते हैं, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा जम्मू कश्मीर। बंगाल में पहले दौर से ठीक पहले बांकुड़ा में बम विस्फोट हुआ है और यह धमाका टीएमसी के मुरलीगंज ऑफिस में हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के ऑफिस में बम बनाए जा रहे थे और इसी दौरान यह धमाका हुआ। इस बम धमाके में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ऐसा आरोप बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के घर में बम बनाए जा रहे थे, जहां पर आकस्मिक विस्फोट की बात सामने निकल कर आ रही है और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। दरअसल बंगाल की संस्कृति में ये एक पुरानी परिपाटी है कि बम बनाना पुराने जो पटाखे होते हैं उसके निकाला हुआ बारूद और उसके साथ साथ जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के बम बनाने की परिपाटी पुरानी है बंगाल में। और नक्सलबारी मूवमेंट के ज़माने से लेकर आज तक बंगाल में ऐसा कोई चुनाव किसी भी तरह का ना हुआ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव ही क्यों ना हो, जहां बमबारी ना होती हो। बंगाल में पहले दौर के मतदान से कुछ घंटे पहले ही बांकुड़ा में बम विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, धमाका टीएमसी के ऑफिस में हुआ है। तस्वीरें इंडिया टीवी पर आपके सामने और बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी के ऑफिस में बम बनाए जा रहे थे और इसी दौरान बम फटने से यह धमाका हुआ। 5 से 6 लोग इस बम धमाके में घायल बताए जा रहे हैं और तस्वीरें उस जगह की हम आपको दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि टीएमसी का ये ऑफिस है और बीजेपी का ये आरोप है कि इसी जगह पर बम बनाए जा रहे थे और बम बनाते समय ये धमाका हुआ। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में धमाका होता है, सबसे पहले प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की आती है, टीएमसी चुप क्यों है? देखिए फिलहाल अभी कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है क्योंकि पहले चरण का चुनाव कल है, मतदान कल होना है और बांकुड़ा में भी मतदान होना है और उससे पहले इस तरीके की घटना वाकई में बहुत बड़े सवाल उठाती है। बांकुड़ा में ये मुरलीगंज में ये हादसा हुआ है, लगभग 5 बजे की घटना ये बताई जा रही है कि जिस वक्त ये बम धमाका हुआ, हालांकि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के दफ्तर में ये बम बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये टीएमसी के कार्यकर्ता बना रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, तमाम छानबीन की जा रही है, लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं इसमें और इन सभी को के आरामबाग अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं और ये छानबीन करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बम कहां से आए और क्या वाकई में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बम बना रहे थे या उस कार्यालय में बम किसने पहुंचाया, इन तमाम बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि ये पूरा मामला जाँच का विषय है लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया बम की राजनीति पुरानी है बंगाल में। चेन्नई से एक वीडियो सामने आया जब टीनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक मस्जिद में पहुंचे लेकिन वहां पर सारी पिक्चर उस वक्त बदल गई जब मस्जिद से नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भागना पड़ा। दरअसल मस्जिद में दोनों पार्टियां प्रचार के लिए पर्चा बांट रही थी और उसी दौरान पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद जो कुछ हुआ तस्वीरें आपके सामने। चुनाव आयोग की सक्रियता से कम धार्मिक स्थल के चुनावी माहौल में बेजा इस्तेमाल से बचत हुई, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। असम के अखाड़े में आज लैंड जिहाद ब्रेकिंग न्यूज बन गया। अमित शाह ने आज असम की धरती से लैंड जिहाद के खात्मे का वादा किया। क्या है लैंड जिहाद और कौन है लैंड जिहाद का आका, अमित शाह ने रैली में बताया। लैंड जिहाद जो बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं साहब कि 5 साल के बाद ये लैंड जिहाद करने वाला एक भी आदमी आसाम के अंदर नहीं दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिहाद एक बड़ा कामगार शब्द है, जहां जाइए वहां फिट कर सकते हैं, चाहे आप इसे लव जिहाद के साथ फिट कीजिए या लैंड जिहाद के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।